एक व्यक्ति रहा करता था। धन्नू के घर में उसका वफादार नौकर, उसकी पत्नी और बेटी थे। धन्नू अपने नौकर को मुन्ना कहकर बुलाया करता था। एक दिन की बात है, शाम के समय धन्नू अपने नौकर से बोला, मुन्ना कल तुम्हें याद है ना कि हमें कहाँ जाना है? जी मालिक, अच्छी तरह से याद है, हमें आपके पांचों खेतों में जाना है। तो तुमने सारी तैयारी कर ली? जी मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने बग्गी को तैयार करवा दिया है। ठीक है, हम कल सुबह ही अपने घर से अपने खेतों के लिए निकलेंगे। किसान सुबह सुबह ही काम पर आ जाते हैं। जी मालिक, समझ गया, मैं आपके उठने से पहले ही उठ जाऊंगा। कभी कभी सोचता हूँ मुन्ना कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऐसी बात नहीं है मालिक, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मालकिन आपका ख्याल रखती, और छोटी मालकिन तो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन सही मायने में मेरा सही ख्याल तुम रखते हो। धन्नू की ये बात उसकी पत्नी मीना को पसंद नहीं आई। मैं काफी देर से अपनी बुराइयां सुन रही हूँ, किसी नौकर को इतना भी सर नहीं चढ़ाना चाहिए। कितनी बार कहा है तुमसे मीना कि मुन्ना हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि हमारे परिवार जैसा है, आखिर तुम्हें मुन्ना से क्या चिढ़ है बताओ? अजी कहने से क्या होता है, नौकर तो नौकर होता है। मुझे मुन्ना से कोई चिढ़ है कि आप मुन्ना को अपनी पत्नी और बेटी से ज्यादा सम्मान देते हो? ये तुम्हारी गलत फहमी है मीना, मेरा विश्वास है एक दिन तुम्हें मुन्ना की कदर जरूर मालूम पड़ेगी। मुझे मुन्ना को समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, पता नहीं आपको सपेरे में क्या नजर आया था कि उसके मरने के बाद आप उसके बेटे को अपने घर पर उठा कर ले आए। बस करो मीना, अपने मन में किसी के लिए इतने गलत विचार नहीं रखते। बस बहुत हो गया मीना, इससे आगे अपनी जुबान से एक शब्द मत बोलना। मत भूलो कि उस सपेरे ने मेरी जान बचाई थी। अरे उसके मरने के बाद मैंने तो सिर्फ मुन्ना की परवरिश की है। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी मुन्ना को दे दूं ना, तो भी मैं मुन्ना के पिता का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर मीना गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने देखा उसकी बेटी रीमा दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी बहस को सुन रही थी। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है रीमा कि दरवाजे पर खड़े होकर मेरी और अपने पिता की बहस मत सुना कर। माँ आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हद पार कर रही हैं? आखिर आपको मुन्ना भैया से क्या चिढ़ है? खबरदार जो अपनी जुबान से उसे भाई कहा। अरे वो एक सपेरे का बेटा है, देखना भविष्य में वो बीन बजाकर सिर्फ सांपों को पकड़ने का ही काम करेगा। हमारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ इस घर का नौकर है। बस करो माँ। इतना कहकर रीमा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मुन्ना सुबह ही उठकर बग्गी की साफ सफाई करने लगा। कुछ देर बाद धन्नू तैयार होकर बाहर आ गया। तुम तो अपने वादे के पक्के निकले, तुम तो मेरे उठने से पहले ही उठ गए। मुझे तो रात भर इसी चिंता में नींद ही नहीं आई मालिक कि आपको सुबह सुबह खेतों का मुआयना करने जाना है। मुन्ना अपनी मालकिन की बातों को जो है दिल पर मत लिया करो, ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक, मैं मालकिन को अपनी माँ समान समझता हूँ, क्या माँ की डांट पर कोई बेटा बुरा मानता है? कभी कभी मुझे इस बात का बड़ा एहसास होता है कि तुम मेरे बेटे होते तो। अब चलिए मालिक, किसान आपका इंतजार कर रहे होंगे। धन्नू बग्गी में बैठ गया और मुन्ना घोड़े दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में धन्नू अपने खेतों में किसानों से बातचीत कर रहा था। अरे हमारे तो भाग खुल गए मालिक कि आप हमारे सामने अपने ही खेतों में पधारे। आना पड़ा चाचा, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आप सबका हालचाल पूछने के लिए आऊं कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है मालिक, मेरा विश्वास है कि इस साल की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ यहाँ मौजूद और किसानों से भी पूछ लो कि उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता तो नहीं है। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे रहते हुए हमें किस चीज की जरूरत हो सकती है, है? ये सब तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। नहीं चाचा, हर साल आप सब अपना पसीना बहाकर फसल को उगाते हो, मैं तो सिर्फ बग्गी में बैठकर कभी कभार
आप सबका हालचाल पूछने आ जाता हूँ बस। तभी एक कलुआ नाम का बूढ़ा किसान वहाँ पर आ गया और धन्नु की ओर देखते हुए बोला, हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते थे लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है बेटा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा कलुआ चाचा। अब हमारे गांव का जमींदार जो है होशियार सिंह रोज अपने गुंडे यहाँ पर भेजता है बेटा और बोलता है कि ये आधा खेत हमारा है। शुरू शुरू में तो हमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया मगर कुछ दिनों से उसके गुंडे जो है यहाँ पर काम कर रहे किसानों को धमका रहे हैं। कलुआ की बात सुनकर धन्नू उस किसान से बोला जो कि कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया चाचा? जमींदार होशियार सिंह को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें ये बताकर जो है परेशान नहीं करना चाहता था। इतने समय बाद तो तुम अपने खेतों में आए हो और वैसे भी होशियार सिंह के पास गीदड़ भपकियों के अलावा और है ही क्या? नहीं चाचा, होशियार सिंह की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गांव के सभी लोग जानते हैं कि वो कितना क्रूर है और कितना शातिर। इतना बोलकर धन्नू अपने नौकर मुन्ना से बोला, मुन्ना बाकी के खेतों का मुआयना हम किसी और दिन करेंगे, बग्गी को अभी और इसी वक्त होशियार सिंह की हवेली की ओर ले चलो। इतना बोलकर धन्नू बग्गी में बैठ गया और मुन्ना ने बग्गी होशियार सिंह की हवेली की ओर दौड़ा दी। कुछ ही देर में धन्नू मुन्ना के साथ होशियार सिंह की हवेली में खड़ा हुआ था। आओ धन्नू आओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हारी उम्र काफी लंबी है भाई। तुम 24 घंटे मेरे ही बारे में सोचते रहते हो होशियार सिंह। मेरी आज तक समझ में ये नहीं आया कि तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है। देखो मैं तुमसे ज्यादा धनवान हूँ और मेरे पास तुमसे ज्यादा संपत्ति है, फिर भी गांव वाले मुझसे ज्यादा तुम्हारा सम्मान करते हैं भाई। और तो और गांव के मंदिर की चाबियां भी तुम्हारे ही पास रहती है। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आइंदा अपने गुंडों को मेरे खेत पर काम कर रहे किसानों को धमकाने मत भेजना, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लोगे तुम है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। अरे अपनी औकात में रहो है। होशियार सिंह की बात पर मुन्ना बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, अपनी जुबान को लगाम दो होशियार सिंह, मालिक ने मेरे हाथ रोक रखे, नहीं तो अभी इसी वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ देता। ए दो कावड़ी के नौकर, ए मुझे आंखें दिखाता है। ए मत भूल कि तू सपेरे का बेटा है। ए जा जाकर खेतों में सांप पकड़। अनाथ है तू अनाथ, एक टुकड़ों पर पलने वाला एक अनाथ कहीं का। अब अगर इससे आगे एक भी शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला ना होशियार सिंह, तो मैं अपनी हद पार कर जाऊंगा, बता रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। इतना बोलकर धन्नू मुन्ना के साथ वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर धन्नू ने सारी घटना अपनी पत्नी मीना को बताई। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, अपने नौकर को सर पर मत चढ़ाया करो, आखिर उसने वही किया ना जिसका मुझे डर था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीना? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ जी, सारा गांव जानता है कि होशियार सिंह कितना क्रूर इंसान है। आखिर तुम्हारे इस दो कौड़ी के नौकर को उसके सामने मुंह चलाने की जरूरत ही क्या थी? बस बहुत हो गया मीना, मैं मुन्ना के खिलाफ अब एक शब्द नहीं सुन सकता। तो फिर आज फैसला हो ही जाए, आज या तो मैं रहूंगी या फिर ये रहेगा दो कौड़ी का नौकर इस घर में। मीना की बात सुनकर मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मालकिन, मेरे लिए आप मालिक से मत लड़िए और न ही घर छोड़कर जाइए। अरे मैं तो नौकर हूँ, कहीं भी जाकर रह लूंगा, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो खड़ा खड़ा मेरा मुँह क्या देख रहा है, चल निकल यहाँ से। मीना की बात सुनकर मुन्ना वहाँ से चला गया। तुमने मुन्ना को घर से निकाल कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ मुझे मत समझाइए अच्छा और बुरा, वैसे भी जब से मनहूस यहाँ आया था
तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा था। कैसी इंसान हो तुम मीना। मुन्ना सिर्फ 10 साल का था जब मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था। आज उसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है। अरे इतने सालों में तो जानवरों से भी प्यार हो जाता है, फिर वो तो इंसान है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो प्यार करने के लायक होता है ना, उसी से प्यार होता है। मुझे तो सपेरों से हमेशा से ही घृणा रही थी, और फिर वो तो सपेरे का बेटा है। धन्नू क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक गांव में हाहाकार मच गया। मंदिर में रखी हुई किशन कन्हैया की मूर्ति मंदिर से चोरी हो गई। सभी गांव वाले मंदिर के आसपास जमा थे कि तभी वहां पर होशियार सिंह आकर बोला, ए, क्या हुआ? ए? तुम सब गांव वाले यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हो? अब आपको क्या बताऊं होशियार सिंह, घोर कलयुग आ गया है। मंदिर से किशन कन्हैया की मूर्ति कोई चोरी करके ले गया है। ए, जहां तक मैं जानता हूँ तो मंदिर की चाबियां धन्नू के पास रहती हैं। ए, हो ना हो ये काम धन्नू का ही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? धन्नू के पास धन की क्या कमी है? अरे इंसान की नियत का कुछ नहीं कहा जा सकता पंडित ज्ञानचंद जी। और वैसे भी मैंने सुना है कि गांव में हर घर की तलाशी ले ली गई है। आप लोग चाहें तो मेरी भी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि धन्नू के घर की भी तलाशी ली जाए। हाँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं होशियार सिंह? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ पंडित ज्ञान चंद जी। अरे मंदिर की मूर्ति का सवाल है, क्या धन्नू का कद अब हमारे गांव के भोले भाले लोगों की आस्था से बड़ा हो गया है कि उसके घर की तलाशी भी नहीं ली जा सकती? बोलो। सारे गांव वाले धन्नू के घर पहुंच गए। पंडित ज्ञानचंद जी, होशियार सिंह जी को लगता है कि मूर्ति मैंने चुराई है। इनके दिल की तसल्ली के लिए आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, और उसके बाद होशियार सिंह जी की हवेली की भी तलाशी ली जाए। आजी मुझे मंजूर है। और धन्नू के घर की तलाशी लेने लगे। अचानक धन्नू के घर के कमरे में मूर्ति बरामद हो गई। ये देखकर धन्नू और उसकी पत्नी बुरी तरह से घबरा गए। मेरी बात का विश्वास कीजिए गांव वालों, मुझे नहीं पता ये मूर्ति मेरे घर पर कैसे आई। अरे जाहिर सी बात है, ये अपने आप तो चलकर आई नहीं होगी। देखा, ए आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा इस इंसान का असली चेहरा, जिसका आप सब इतना सम्मान करते हैं। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रतन, तुम तो वास्तव में एक घटिया इंसान निकले। ए भैया, ए गांव वाला, ए देखते क्या हो, मारो धन्नू को। अरे नहीं नहीं, धन्नू के किए की सजा कानून देगा। वैसे भी मंदिर की चाबियां इसके और इसकी पत्नी के पास ही रहती थीं, तो दोषी दोनों पति पत्नी हुए ना। मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब इन दोनों का फैसला अदालत करेगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। इंस्पेक्टर कदम ने धन्नू और उसकी पत्नी को अरेस्ट करके हवालात में डाल दिया। धन्नू की बात पर किसी भी गांव वाले ने विश्वास नहीं किया। आधी रात के वक्त होशियार सिंह हवालात में धन्नू के पास आकर बोला, ए, सच तो यह है धन्नू कि तुम जेल में ही अच्छे लगते हो। जिन गांव के लोगों पर तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड था रतन, उन्होंने तुम्हें दोषी मानने में एक सेकंड भी नहीं लगाया है? अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना और मैं तुम्हारे सारे खेतों पर जो है कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर होशियार सिंह वहां से चला गया और मीना फूट फूट कर रोने लगी। अचानक मीना के कानों में मुन्ना की आवाज टकराई। रोइए मत मालकिन, सब सही हो जाएगा। मुन्ना तू यहाँ कैसे, कहाँ चला गया था तू? मालकिन के घर से निकालने के बाद मैं अधिकतर थाने में ही रहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं,
जब मालकिन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब मैं भूखा प्यासा गांव में भटकता फिर रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक पुलिस वाले साहब को एक सांप ने डस लिया है। मुझे बीन बजानी आती थी, मैंने उस सांप को बुलाकर उनका जहर निकाल लिया। तब से मैं पुलिस वाले साहब के घर पर ही रहता हूँ। मुझे थाने आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अगर तू घर पर होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं तो आपको अपनी माँ समान समझता हूँ। बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मूर्ति हमने चुराई है? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? सारी दुनिया आप पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप दोनों ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर वो मूर्ति किसने चुराई है, और आप दोनों को बहुत जल्द इन सलाखों से बाहर निकाल लूंगा। इतना कहकर मुन्ना वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, आखिर मंदिर से मूर्ति कौन चुरा सकता है? मैं मालकिन से वादा तो कराया हूँ कि मैं दोषी का पता जरूर लगाऊंगा, लेकिन कैसे? अब सबसे पहले तो मुझे घर जाकर देखना चाहिए कि छोटी मालकिन ठीक भी है या नहीं। उनका तो रो रोकर बुरा हाल हो रहा होगा। मुन्ना अपने मालिक धन्नू के घर के सामने पहुंचा ही था कि उसने देखा कि होशियार सिंह धन्नू के घर पर पेट्रोल छिड़क रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? मालिक के घर पर पेट्रोल क्यों छिड़क रहे हो? तभी मुन्ना के कानों में रीमा की आवाज टकराई, मुझे बचा लो मुन्ना, होशियार सिंह ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ से चले जाओ होशियार सिंह, नहीं तो मैं सारे गाँव वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगा। तो देर किस बात की है? है, तुरंत बुला लो। गांव वाले भी तो यही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। ये एक मूर्ति चोर का घर है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारे विश्वास करने या ना करने से क्या होता है भाई? ये गांव वालों को मूर्ति धन्नू के घर पे ही मिली थी। मुझे तो शक हो रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वो मूर्ति मंदिर से तुमने ही चुराई थी। सारा गांव मूर्ख निकला, यहाँ तक कि धन्नू और उसकी पत्नी भी। लेकिन तू वाकई बहुत समझदार है सपेरे के बेटे। अब समझा, तुमने मालिक से बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया है। तुम शुरू से ही मालिक से चलते थे कि गांव वाले उनका इतना सम्मान क्यों करते हैं। सही कहा, लेकिन अब क्या फायदा है? तुम गांव वालों के सामने अपने जुर्म का इकबाल खुद करोगे। किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे मेरे जुर्म का इकबाल करवा दे है? किसी भी इंसान को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए होशियार सिंह। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर मुन्ना अपनी बीन निकालकर बजाने लगा। देखते ही देखते दो तीन सांप होशियार सिंह के इर्द गिर्द मंडराने लगे। अरे अरे अरे, ये 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 कहाँ से आ गए? अरे अरे, इन्होंने तो मेरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। मुझे यहाँ से भागना होगा, भागना होगा। होशियार सिंह ने वहाँ से भागने की कोशिश की कि तभी उन सांपों ने उसका रास्ता रोक लिया। होशियार सिंह बुरी तरह से घबरा गया। अचानक होशियार सिंह के सामने मुन्ना आ गया। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते होशियार सिंह। मुन्ना, अपने सांप से बोलो कि मुझे जाने दे, बोलो। किसी कीमत पर नहीं। याद रखना होशियार सिंह, ये तीनों सांप बहुत जहरीले हैं। अगर इनमें से किसी एक ने भी तुम्हें डस लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। मुझसे क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? अपने जुर्म का इकबाल कर लो। होशियार सिंह घबरा कर चिल्लाने लगा। होशियार सिंह की चीख सुनकर वहाँ पर सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। सबसे पहले घर में कैद रीमा को बाहर निकाला गया। मुझे माफ कर दो, मैंने ही यह मूर्ति जो है चुरा कर धन्नू के घर पर रखवाई थी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं अपने रुतबे के आगे सबका बुरा करता गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अरे भैया, इस लालची के चक्कर में हम लोगों ने देवता समान धन्नू को गलत समझा, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए भैया। गांव वालों ने होशियार सिंह को पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया और पुलिस ने धन्नू और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। इस तरह एक नौकर ने अपनी वफादारी का